नमस्कार, स्वागत है आपका वन इंडिया हिंदी में। मैं हूं तलहा। कोरोना वायरस ने चीन में एक बार फिर से कहर दिखाना शुरू कर दिया है। चीन को अपने दूसरे सबसे बड़े बंदरगाह का ऑपरेशन कोरोना के चलते बंद करना पड़ा है। इस वक्त वहां 28 कंटेनर जहाज़ फंसे हुए हैं। मई में भी चीन ने एक बंदरगाह को एक महीने के लिए बंद किया था, जिसके चलते ग्लोबल शिपिंग पर बुरा असर पड़ा था। खास बात यह है कि अभी जो कोरोना का नया मामला सामने आया है, उस मरीज को चाइनीज़ कोविड वैक्सीन के दोनों डोज लग चुके थे। पूर्वी चीन के मरीन हब माने जाने वाले निगबो के कंटेनर पोर्ट पर कामकाज निलंबित कर दिया गया है। निगबो मिडोंग कंटेनर टर्मिनल ऑपरेशन में बुधवार तड़के 3:30 पर सभी आने वाले जहाज़ों और कंटेनरों की लोडिंग का काम सस्पेंड कर दिया। ये निगबो झाओशान पोर्ट कंपनी की एक सब्सिडियरी है। चीन ने ये एक्शन 10 अगस्त को एक स्टाफ को कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाने के बाद लिया है। बुधवार को आधिकारिक तौर पर प्रेस को ये जानकारी दी गई। इसके चलते निगबो झाओशान पोर्ट के बाहर 28 कंटेनर जहाज कतार में खड़े हैं। माल ढुलाई के मामले में निगबो झाओशान पोर्ट शंघाई के बाद चीन का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। जुलाई के महीने तक इस बंदरगाह से 20 फुट के बराबर यूनिट के हिसाब से 1.9 करोड़ यूनिट की ढुलाई हुई, जो कि पिछले साल के मुकाबले 17.1% ज़्यादा है। पिछले साल इस बंदरगाह से करीब 1.2 अरब टन माल ढुलाई हुई थी। निगबो झाओशान पोर्ट के डिप्टी जनरल मैनेजर जियांग यीपेंग ने कहा कि मिडोंग फर्म ने स्टाफ के कोविड पॉजिटिव पाए जाने के तुरंत बाद बंदरगाह का सारा ऑपरेशन बंद कर दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि निगबो सिटी गवर्नमेंट के मुताबिक जिस स्टाफ को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, उसे साइनोवैक कोविड वैक्सीन के दोनों डोज इस साल जनवरी और मार्च में दिए गए थे। हालांकि शुरुआती जांच में उस स्टाफ में कोविड के लक्षण नहीं पाए गए थे, लेकिन अब उसकी जीनोम स्कैनिंग की प्रक्रिया शुरू की गई है ताकि स्ट्रेन के बारे में पता चल सके। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया के ताज़ातरीन अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।